लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मिर्जापुर से बड़ी खबर बता दें, GRP पुलिस मिर्जापुर ने 36,12,000 कैश के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चेकिंग के दौरान युवक के पास मिला कैश। अग्रवाल ज्वेलर्स के लिए सोना लेने जा रहा था, पकड़ा गया युवक। ओम प्रकाश छिपरा ट्रेन से कोलकाता के लिए था रिजर्वेशन। कटरा कोतवाली के चिन्हवा कुआं के पास है अग्रवाल ज्वेलर्स की दुकान। दीपक अग्रवाल चलाते हैं अग्रवाल ज्वेलर्स। रुपयों के साथ गिरफ्तार ओम प्रकाश अग्रवाल ज्वेलर्स के यहाँ करता है नौकरी। GRP पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर GRP पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 के स्वचालित सीढ़ी से एक व्यक्ति से तलाशी के दौरान उसके पिट्ठू बैग से 36,12,000 कैश बरामद हुआ। एक साथ मिले लाखों रुपया कैश विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया वह कटरा कोतवाली के चिन्हवा कुआं के चौराहे पर स्थित अग्रवाल ज्वेलर्स में नौकरी करता है। ये दुकान स्थानीय कोतवाली के गणेशगंज मोहल्ला के निवासी दीपक अग्रवाल की है। वह उनके यहाँ नौकरी करता है और रुपया लेकर छिपरा ट्रेन से कोलकाता जाने वाला था, जहाँ से इसके बदले आभूषण लेकर वापस आता। ओम प्रकाश की जानकारी पर GRP ने अग्रवाल ज्वेलर्स के मालिक दीपक अग्रवाल को बुलाया, साथ ही उसने इनकम टैक्स विभाग को इसकी पूरी सूचना दी। इनकम टैक्स के साथ मिलकर GRP इस मामले की जाँच में जुटी है। बरामद नोट 2,500 और 100 रुपए के नोट की गड्डियों में मिला है। विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। R9 भारत से गौरव श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट, मिर्जापुर। सर, ये बताएं कि लाखों रुपया बरामद हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, GRP थाना मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर दिनांक 24 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था मादक पदार्थों के और अवैध शराब के संबंध में। उसी चेकिंग के तहत हमारे थाने पर टीम गठित थी, उप निरीक्षक धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक जगदीश यादव, कांस्टेबल नागेंद्र भारद्वाज के साथ सभी लोग प्लेटफार्म नंबर 2 पर भ्रमणशील थे। एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम अरविंद ओम प्रकाश बिंद पुत्र विपत बिंद निवासी लोहदी कला थाना कोतवाली देहात मिर्जापुर, उम्र करीब 38 वर्ष, एक काले रंग के पिट्ठू बैग के साथ पकड़ा गया। संदिग्ध अवस्था में जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मेरे बैग में काफ़ी मात्रा में रुपया है। पूछताछ करते हुए उसे थाना पे लाया गया। पूछताछ के दौरान सभी बरामद नोटों को अलग अलग करके काउंटिंग कराई गई तो कुल 36,12,000 रुपये पाए गया। इस संबंध में उससे पूछताछ करने पर मेरे द्वारा कोई भी पैसा ले जाने के संबंध में कोई कागज नहीं दिखा सका, कोई कागजात नहीं प्रस्तुत कर सका। संबंधित इनकम टैक्स ऑफिसर श्री अरविंद चौहान जी, जो प्रयागराज में संयुक्त निदेशक के पद पर हैं, उनके द्वारा मुझे मेरे द्वारा उनको सूचना दी गई। उस सूचना के क्रम में उन्होंने अपनी टीम भेजी, जो प्रयागराज से टीम आई है। आज जांच पड़ताल हो रहा है, अभी सभी का एस्टीमेट नोट किया जा रहा है। ये कहां से कहां जा रहा था? ये मिर्जापुर से कलकत्ता हावड़ा जा रहा था। इसका ट्रेन से टिकट था, छिपरा एक्सप्रेस से इसका जो है। इतने पैसे लेकर ये ट्रेवल कर रहा था, क्या रीज़न कुछ बताया क्या? इसने बताया है कि ये पैसा मैं दीपक अग्रवाल हैं, वो उनके पिता का नाम गोपाल अग्रवाल, निवासी गणेशगंज थाना कोतवाली नगर मिर्जापुर के हैं। उनकी अग्रवाल ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है। सारा पैसा उन्होंने इसको दिया था सोना लाने के लिए, सोना लेने ही यहाँ से जा रहा था। 36 लाख क्या है? ये जो हमारे व्यापार का हिस्सा है, सराफा व्यवसायी है, ये हम हमेशा ऑल इंडिया माल भेजने के लिए, माल मंगाने के लिए जो है हम फैस सिस्टम भेजते हैं। और जब माल हमारा बिलिंग होता है तो हम उसको RTGS कर देते हैं, या तो पार्टी हमको कैश जमा करके ट्रांजेक्शन अपने खाता में देके हमको बिल दे देती है। तो मेरा प्रोसेस है। तो क्या ये 36 लाख रुपये आप ट्रेन से क्या इस तरह हमेशा करते थे, इस नहीं, इतने बड़े रकम को लेकर के? कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 10 लाख, जैसा जरूरत हुआ। अभी आगे दशहरा दिवाली खड़ा है, धनतेरस खड़ा है, तो उसका हमको कुछ विशेष माल मंगवाना था तो हमने भेज दिया। और कोई भी चांदी सोने का सामान आएगा तो 10 लाख से कम नहीं आएगा। हाँ। हमारा पड़ता नहीं गिरेगा। अच्छा, तक में आपने ट्रेन से कितनी बार इस तरह का काम कराया होगा? अभी तो गणेश चौथ तक शुरुआत किए थे, पहला बार आपका यही बार फंस गया। इसके पहले हम गए थे तो खुद आते थे 5-6 लाख रुपए लेके। हाँ। अच्छा, नहीं, लोग अब तो तमाम तरह की बैंक है, आप उससे कर सकते थे, क्या जरूरत पड़ी कि आपको 36 लाख रुपए नगद देने? क्या ये टैक्स बचाने की कोशिश? टैक्स बचाने की कोशिश चल रहा है वो आप कर? ये हमारे जो भी अधिकारी बैठे इनकम टैक्स के, वो सब हमसे बात कर रहे हैं।
ये जो चीज़ पूछना है कि नंबर दो नंबर एक, या आप उनसे पूछे तो स्पष्ट बताएंगे, तो हमसे ये सवाल मत करिए। कलकत्ता से ये हो रहा है, कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ता से सोना क्या, मतलब कलकत्ता से और जगह से क्या, वहाँ से चांदी के बर्तन आता है, चांदी का जेवर आता है, वो वहाँ के लिए मशहूर है। अच्छा, क्या नाम से आपका फर्म है, किस नाम से चलाते हैं? हमारा फर्म अग्रवाल ज्वेलर्स के नाम से। और अग्रवाल ज्वेलर्स क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। मतलब आप मानते हैं कि नंबर जो पैसा है आपने इतना बड़ा रखा है? हमारा नंबर एक का पैसा है। नंबर एक का पैसा है ये आलेखा वहाँ पर। इस तरह से ट्रेन पे आप करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? 36 लाख रुपए अगर वो एक झोले में लेके जा रहा है, अभी ऐसा सुरक्षा मान रहे हैं, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं घर का, या कोई जब भी सामान लेने जाते हैं तो नगद ही के लिए जाते हैं ना, कि चेक लेकर जाते हैं? लाख दो लाख में आदमी डर रहा है, आप 36 लाख रुपए एक काम हम, करने वाले को भेज भाई, आप अपने काम में माहिर है ना, आप अपने काम में नहीं डरते हैं ना? हाँ। तो वैसे हमारा काम है ये, हमारा बहुत पुराना काम है। आप अपने काम में नहीं डरते? हम अपने काम में डर लेकर चलेंगे तो सराफा का व्यवसाय कैसे करेंगे? ठीक।